हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते। तो दोस्तों यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के री एग्ज़ाम के संबंध में कल एक नोटिस जारी किया गया था। तो ये कल निरस्त किए जाने के संबंध में जारी किया गया था, आज फिर ये एक नई नोटिस जारी की गई है जिसमें हम लोग देख लेते क्या बताया गया है। इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो इसमें बताया गया कि ये परीक्षा पदों पर भर्ती 2018 ऑफलाइन लिखित परीक्षा के 26 जनपदों के 860 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 18 व 19 जून 2018 को दो पालियों में आयोजित कराई गई थी। इसके आयोजित होने के दो तीन दिनों के यह सूचना आई थी कि प्रथम पाली द्वितीय पाली में जो प्रश्न वितरित किए गए उनमें अंतर नहीं था, बल्कि एक ही प्रश्न पर दोनों पालियों में दिया गया था। ये पूरी एकदम नोटिस दिया गया है, आप साइट पे जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसमें बताया गया है, लास्ट की हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। बोर्ड ने सभी तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए बताया है कि यद्यपि ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट रूप से समक्ष नहीं है जो बताता कि किसी व्यक्ति को वस्तुतः द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र पूर्व से ही मालूम हो, किंतु परीक्षा की शुचिता बनाए रखने एवं पूर्ण पारदर्शिता हेतु 18 दिनांक 18 एवं 19 जून 2018 को द्वितीय पाली में प्रदेश के समस्त 860 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा को निरस्त कर पुनः कराया जाना उचित होगा। तो ये एक नई नोटिस आई हुई है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।